जी भाई, ये बात दुरुस्त है? आप लोग भी ऐसे ही देखते थे कि इमरान खान बहुत ही लकी कैप्टन थे? नहीं, देखिए, कप्तान का लकी होना जरूरी है। बगैर लक के ना आप ना कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप बैट्समैन भी है तो वहां भी आपको लक की जरूरत है कि आपको गेम के हर शोबे में लक की जरूरत है। और कप्तान का लकी होना बड़ा जरूरी है कि किसी बात टाइम कोई क्रूशल कैच हो जाता है, कोई अच्छी बॉलिंग कर जाता है, तो ये थोड़ी सी चीजें जरूर है, लकी होना जरूरी है। लेकिन और इमरान भाई भी लकी थे, ठीक है जी। जिस तरह हम 92 के वर्ल्ड कप में जी, एक टाइम हम बॉटम पे थे, बॉटम से हमें ना अल्लाह हमें टॉप पे लेके गया। तो वो एक मैच था इंग्लैंड के साथ जो कि हार गए थे, ऑलमोस्ट बारिश हो गई थी, हार गए थे कि जी, वो एक एक रन मिल गया कि जी जी वो। तो ये होना जरा जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये बात जो आप लकी कर रहे हैं, ये लकी थे कि दो फुल टॉस उनको मिल गई वहाँ पे, वरना वो बॉलर बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। एक्चुअली वो यॉर्कर मारना चाहता था, फुल टॉस मिल गया। लेकिन मैं फारूकी या नहीं, क्या नाम है, फरीद, फरीदुल्लाह समथिंग। मगर मैं समझता हूँ जिंदगी में 60-70% लक चलती है। हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है, हर आदमी कोशिश कर रहा है। आप देखिए शहजाद साहब, मैंने कहा लक, आपने कहा नहीं लक कुछ नहीं होती, सबने कहा लक भी तो होती है ना। लक देखिए, लक तो है, बट यू नीड टू गिव योर एफर्ट। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ लकी हो सकते हैं और मेहनत किए बगैर, ये नहीं हो सकता ना। मतलब वो नेट में जाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, छके छके मारते होंगे। एक शख्स को जानता हूँ कि जो ही वाज सुपर लकी और बिल्कुल मेहनत नहीं करते थे, एक मरहूम वसीम हसन राजा हमारे साथ होते थे। ही वाज मतलब इतना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर अपने मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो ही वाज नॉट मेहनती, एक वो राउंड लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं, पर टैलेंट था उनके पास। क्या टैलेंट था, अमेजिंग टैलेंट था वो। मैंने ऐसा टैलेंट, रमीज राजा के भाई, हाँ बड़े भाई जो थे, बड़े भाई मेरा रूममेट होते थे सारे वो, एंड ही वाज अमेजिंग। मगर एक उन्होंने कभी वो ऐसे हार्ड वर्क नहीं किया जैसे दूसरे लोग करते। लेकिन देखिए, मेहनत जो होती है वो उसके अंदर तो ये ना कंसिस्टेंट है। जब आप मेहनत करते हैं तो ही आप आगे जा सकते हैं। लक कभी कभी आपको वो चीज दे देता है जो कि मेहनत नहीं देता। बिल्कुल, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले जी, बताइए इंजी भाई, कल जो है मैच में कोई एडवाइस लास्ट देना चाहेंगे कि क्या करने की जरूरत है, खास तौर पे अगर हम टॉस जीत जाते हैं या टॉस हार के पहले बैटिंग करते हैं, वहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या करने की जरूरत है, गेम प्लान क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव क्रिकेट खेले। बाबर को भी मेरा यही मशवरा है और फखर को भी यही मशवरा है कि विकेट पे स्टे करने के लिए ना आएंगे, विकेट पे स्कोर बनाने के लिए आए। थोड़ा सा उनके बॉलर्स पे अटैक करेंगे तो इनका भी जो कॉन्फिडेंस आएगा, देखो कॉन्फिडेंस बैट्समैन को हमेशा रन बना के आता है, विकेट पे खड़े होके नहीं आता, रन बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरा पाकिस्तान के सारे लोगों का थोड़ा सा जरा इन पे अटैक करे। आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि श्रीलंका की ऐसी बॉलिंग नहीं है कि हमारे लड़के स्कोर ना कर सके, तो पॉजिटिव क्रिकेट खेले और इतना स्कोर हमारे बॉलर्स को बोर्ड पे, अगर 170-175 हमारे बैट्समैनों ने बोर्ड पे स्कोर दिया, जो हमारी बॉलिंग है, मैं समझता हूँ एशिया कप की सारों से अच्छी बॉलिंग हमारी है, कोई शक नहीं। तो हमारे प्लेयर इंशाल्लाह इतने रन देना श्रीलंकन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है एनजी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल आपसे इंशाल्लाह स्टूडियोज में मुलाकात करेंगे और वंस अगेन इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा।